नमस्कार मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थरो मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद से तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की या पूरा कूल्हा प्रत्यारोपण शल्य क्रिया की टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत हमें कुछ क्लिनिकल सेटिंग्स में बढ़ती है जो हम लोग करते हैं जिसमें उम्र के साथ जोड़ का घिसना यानी कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फेक्शन या कुछ इन्फ्लॉमेटरी कंडीशंस जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंकलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस या कोई पुराना इन्फेक्शन जो कि ट्रीट हो चुका है जिसके कारण से कूल्हे का गद्दा या जिसे हम बोलते हैं कार्टलीज वो घिस गया था और कूल्हा का जो, जो जोड़ था वो खराब हो गया था उसमें भी हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट कंसिडर करते हैं कई बार फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर यानी कि हमारी थाई की बोन जिसका ऊपर बॉल इन सॉकेट जॉइंट बनता है जिसे हम कूला कहते हैं उसकी बॉल का फ्रैक्चर हो जाना क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है और अगर उम्र इस तरह से है कि ऑलरेडी हिप रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द बॉल साथ ही कई बार ऐसा देखा गया है कि बॉल की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और जिसके कारण से बॉल की हड्डी मर जाती है जिसको हम ए वैस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ए मतलब नहीं, वैस्कुलर मतलब खून, खून यानी यानी मर मर जाना, जाना, कि की, की कमी से हड्डी का क्योंकि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होने के पीछे जनरली स्टेरॉइड का यूज या एब्यूज देखा गया है अभी कुछ समय पहले कोविड वायरस का इंफेक्शन अपनी पीक पे था रैम्पेंट था जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को स्टेरॉयड दिया काफी ज्यादा मात्रा में दिया जो कि जरूरी भी था रिसर्च के हिसाब से द ओनली ड्रग विच वॉज सेविंग लाइव वॉज स्टेरॉइड पर उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं कई यंग लोग एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि कुला खराब हो जाना की समस्या के साथ अब हम ओपीडी में देख रहे हैं कूल्हे का जोड़ बदलने के लिए हमारे को ऊपर का कप और नीचे की बॉल दोनों चीजें बदलनी पड़ती हैं इसमें दो तरह के कूल्हे आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं जिसमें एक सीमेंटेड होता है जिसमें कि हम बोन के साथ कूल्हे के प्रोस्थेसिस को सीमेंट की मदद से जोड़ते हैं और दूसरा होता है अनसीमेंटेड जहाँ पर हम कूल्हे को वैसे ही डाल देते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के बाद वो प्रोस्थेसिस जो कूल्हा होता है नकली वो बोन के साथ बॉन्ड बना लेता है सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट जनरली वहाँ करा जाता है जहाँ बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती जो कि यूजुअली वृद्ध लोगों में एल्डरली लोगों में देखा जाता है यंग लोगों में जहां पुराना इन्फेक्शन हुआ हो या कोई इन्फ्लॉमेटरी प्रोसेस चल रही हो या ए वैस्क्यूलर नेक्रोसिस हो गई हो और कूल्हा बदलने की जरूरत पड़े पर बोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हम लोग वहां पर अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही कंसिडर करते हैं अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जनरली लाइफ ज़्यादा होती है सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ थोड़ी सी कम होती है यूजली अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट आपको 25 से 30 साल की पेन फ्री फंक्शनल लाइफ देने में कामयाब रहता है सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट 15 से 17 साल तक एक पेन फ्री लाइफ देने में कामयाब रहता है को तो अगर कूल्हे में कूल्हे के जोड़ में दर्द है डॉक्टर को जरूर दिखाइए क्योंकि समय के साथ खराब कूल्हा ऊपर के कप को घिसता जाता है और जॉइंट ऊपर माइग्रेट हो जाता है ऐसी समस्या में जब हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें ऊपर कप का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है एंड अ सिंपल केस गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ वेरी डिफिकल्ट हिप रिप्लेसमेंट इसीलिए मैं आपको कुछ आ, टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने कूले के जोड़ को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं जिसमें मेन हमारा फोकस रहेगा न्यूट्रिशन और दूसरा एक्सरसाइजेस में रेगुलर वॉकिंग इज वेरी गुड टू प्रिजर्व योर जॉइंट्स कार्टिलेज जॉइंट के गधे को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी रखने के लिए ज़्यादा लंबा चलाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस इन द फॉर्म ऑफ रूटीन वॉक्स डेली पैदल चलना 8000 से 10000 हजार स्टेप्स इज रिकमेंडेड साथ में आपके खाने में विटामिन्स मल्टी मिनरल्स प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है तो दोस्तों ये बात हुई संक्षिप्त में बात हुई टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में अगर कूल्हे की समस्या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या हमारे हॉस्पिटल में ज़रूर परामर्श लें आपको एकदम ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन ओपिनियन दी जाएगी ये मैं प्रॉमिस करता हूँ थैंक यू वेरी मच मैं डॉक्टर राजेश्वर कुमार वर्मा मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद से धन्यवाद